हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हम कर रहे हैं इवनिंग टाइम से स्टार्ट, तो इवनिंग टाइम जो है वो हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक करने के लिए। तो ये सब देखने के लिए आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी हरियाली है। तो सड़क के दोनों साइड जो है वो काफ़ी ग्रीनरी है, और हम जा रहे हैं अपने घर से अभी तो काफ़ी दूर आ गए हैं। तो यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि पीछे जो था वो बाज़ार है, तो इतना क्राउड में मैं बना नहीं सकती थी वीडियो। तो यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पीसफुल है। ज़्यादातर यहाँ पर लोग जो हैं वो इवनिंग वॉक करने के लिए ही जाते हैं, या तो अपने घर की साइड जाते हैं। तो इस टाइम जो है वो हम खैरी रोड पर निकल चुके हैं, और यहाँ पर देखिए सड़क के दोनों साइड काफ़ी हरियाली और एकदम फ्रेश हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम जा रहे हैं अभी इवनिंग वॉक करने के लिए। तो ये सब देखने के लिए आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था, और ये देखिए ये है जो बिल्कुल पानी और पहाड़ों के नीचे वाली लैंड दिखाई दे रही है, वो है हमारी दुनेरा के पास वाली जगह। और यहाँ पर इस टाइम ये जो है ये हिमाचल वाला एरिया है, तो इस टाइम जो है वो हम हिमाचल में हैं। और ये देखिए कितनी तेज़ हवा चली हुई है, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से। सड़क के दोनों साइड चील के पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ देर बैठकर हमने किया योगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज, और बहुत अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड किया हमने इवनिंग टाइम का वॉक। Thank you.
एक्सरसाइज करके वो वापिस जा रहे हैं और यदु को खींगा छोड़ा या उसको लेने गया। काफी तेज हुआ। और अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाते टाइम हम बीच गए फिर मंदिर, और मंदिर में माथा टेक कर और फिर चले गए हम अपने घर। तो ये मंदिर जो है काफ़ी पुराना है और हम यहाँ पर बचपन से ही डेली जाया करते थे, बस वहाँ तो हम अब भी जाते हैं बट अब थोड़ा कम जाते हैं। और ये बहुत पुराना मंदिर है और जरूर सबसे पहले हम माथा टेकते हैं मंदिर में, नाग देवता जी को इन्विटेशन देते हैं। तो अगर इनको इन्विटेशन है तो ये बारिश होती है उस फंक्शन में, अगर भूल से भी अगर आप मतलब नाग देवता को बुलाना भूल जाते हैं तो बहुत फंक्शन वगैरह में बहुत बारिश होती है। तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ बनखेत में तो सभी लोग जो हैं वो कोई भी फंक्शन करते हैं, चाहे मैरिज करते हैं या कोई भी, तो पहले मंदिर में जाएंगे इन्विटेशन